इवन आइल्स में अगर आपका 4.5 स्कोर है तो भी हम आपको भेज सकते हैं. और अगर आपने आई एम सीरियस एंड मोर ओवर अगर आपने आइल्स नहीं भी की तो भी आप बाहर जा सकते हैं. ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अगर तो अगले तीन दिन में 10 अगस्त से पहले कनेक्ट कर लेते हैं तो आपकी हवाई यात्रा फ्री, और अगर आप 15 से पहले पहले कनेक्ट कर लेंगे तो आपको मिलेगा लैपटॉप. लेकिन ये तब मिलेगा अगर आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे, रीच करेंगे और एक कूपन कोड यूज़ करेंगे, और वो आपके लिए रहेगा. ये आप सिर्फ एक 1 वीक की कमाई कर रहे हो जी. और अगर आप इसको मंथ में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्स 3,000 pounds, 3,000 को 100 से भी मल्टीप्लाई करना है. यस. तो ये तो बन गया 3 लाख. यस. और अगर साल से मल्टीप्लाई कर लो कीजिए तो 36 लाख इन अ ईयर. अभी तो एक ईयर और अभी आप 3 साल करिए इसको कैलकुलेट. 3 साल तो 1 ईयर प्लस हो गया. यस, इट्स 1 crore. यू आर साउंडिंग इट राइट. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਦੇ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ. ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਹਨੀ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹੈ. Body reputed and named organization serving students for a long time now. They know the success record is very good. But today, the visa category that we are going to talk about is very special. That's why I am here to meet you today, MD Shefali Ji. Sat Sri Akal Ji. Sat Sri Akal. So friends, first of all, Shefali Ji, apne thode ache experiences bare the, apne इस ऑर्गेनाइजेशन बारे दसंगे, तो उस तो बाद आप चलेंगे कि आज की कौन सी वीजा कैटेगरी की गल करना चाह रहे हैं. यस मैडम, कैन यू टेल अस लिटिल बिट अबाउट हनी ग्लोबल सर्विसेज. हनी ग्लोबल सर्विसेज लुधियाना में सबसे प्राइम लोकेशन अंसल प्लाजा में है. और आपको इसके पास हमारे यहाँ आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती. इट्स इन द प्राइम लोकेशन इन लुधियाना. हम लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू वीज़ास फॉर इमिग्रेशन टू डिफरेंट कंट्रीज. आई मीन ग्लोबली आप कहीं भी जा सकते हो वर्क वीज़ा स्टडी वीज़ा पे. और हम उसको एनेबल करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपके लिए वो बिल्कुल हैसल फ्री हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, कोई टेंशन नहीं हो. आप घर बैठे और आपका वीज़ा घर पे आए और आप फिर बाहर जाके बढ़िया सी जॉब करें, पढ़ें. और वीज़ा और जरूर आएगा. वीज़ा तो 100% श्योरिटी देते हैं हम आपको. ओके, लेकिन आज हम कौन से वीज़ा की बात करने जा रहे हैं? आज स्टडी वीज़ा, ट्रैवल वीज़ा, इसकी बात सभी करते हैं, लेकिन आज आपके पास पिटारे में कौन सा वीज़ा है? आज का वीज़ा बहुत स्पेशल वीज़ा की बात करने जा रहे हैं हम. आज का हमारा वीज़ा है नर्सिंग वर्क परमिट. जो यहाँ पे हमारे नर्सेज हैं जो पिछले कई सालों से इंडिया में वर्क कर रहे हो और बाहर जाने के सपने देखते हैं पर जा नहीं पाते बिकॉज ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, आज हम उनको बहुत ही नॉमिनल वेरी लेस अमाउंट में बाहर भेजेंगे और उनको सेटल तक कर सकते हैं वो अपने आप को वहाँ जाके. 3+2 कॉम्बिनेशन में वो जाते हैं. लाइक 3 साल का उनको वर्क परमिट मिलता है एंड देन दे गेट एक्सटेंशन फॉर अनदर 2 ईयर्स टू स्टे देयर. तो
कहने का मतलब है जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली नर्सिंग, या इसे हम कह सकते हैं कि जो इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं लोग उन्हों के लिए है। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वीज़ा को बोलते क्या हैं? हेल्थ एंड केयर गिवर वीज़ा बोलते हैं इसको। ओके, सो दोस्तों अगर आपने नर्सिंग की डिग्री कर रखी है और इसमें कौन कौन से डिग्रीज हम कंसिडर कर सकते हैं? सो अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है, एएनएम की है या जीएनएम की है तो आप हर नर्सिंग वर्क परमिट पे जा सकते हैं। सो इज दिस अ डिप्लोमा और अ डिग्री, ये कुछ भी, दोनों में से कुछ भी हो? दोनों में से, लाइक बीएससी नर्सिंग की है, डिग्री की है, या एएनएम या जीएनएम कुछ भी किया है तो भी आप जा सकते हैं। उस तो वधिया गल मैं बताना चाहती हूँ दैट मैडम शिफाली जी की पंजाबी में कहते हैं ना, जो मैं पंजाबी अपा कहते हैं थोड़ा यहाँ तो तांगा, सो शी एडमिट्स एज वेल बट शी विल स्टिल ट्राई लिटिल बिट कि शी कैन प्रेजेंट हर थॉट्स इन पंजाबी एज वेल, बट वी आर ट्राइंग टू कीप अ मिक्स एंड मैच ऑफ द लैंग्वेज ताकि यहाँ पे मेरा जो ऑडियंस है जो साउथ इंडिया में भी बैठा है, आम में से कुछ ऑलरेडी कुवैत में या और डिफरेंट कंट्रीज में सेटल हो चुके हैं बट यू फील लाइक इट्स नॉट एनफ, यू रियली नीड टू मूव ऑन, तो उन सब के लिए हम यहाँ पर आपके साथ आज बात कर रहे हैं। फिर भी कुछ नहीं समझ आएगा तो फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, रीच कीजिए और ज्यादा डिटेल लीजिए। तो आप क्या बताने जा रहे थे? सो मैं आपको बताने जा रही थी कुछ पंजाबी जो दस मैं कोशिश करांगी मैं ये दसना चाहनी हूँ कि इवन आइल्स में अगर आपका 4.5 स्कोर है तो भी हम आपको भेज सकते हैं। और अगर आपने आई एम सीरियस एंड मोर ओवर अगर आपने आइल्स नहीं भी की तो भी आप बाहर जा सकते हैं। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ हुआ, बिल्कुल झूठ है क्योंकि आइल्स ही नहीं है तो फिर कोई कैसे जा सकते हैं? वैसे किस कंट्री की हम बात कर रहे हैं? यूके, द मोस्ट प्राइम कंट्री, मोस्ट अमेजिंग कंट्री। मैं खुद यूके जाके आई हूँ और वहाँ पे मैंने खुद सब कुछ एक्सप्लोर किया है। ब्यूटिफुल कंट्री, वेरी वेल वार्म, वेरी वेलकमिंग, मतलब आप वहाँ के बारे में तो शायद किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 200 साल हमारे ऊपर राज करके चले हैं। वी आर लकी के हम पंजाब से हैं, महाराजा रणजीत सिंह का यहाँ पे राज था जिस वजह से पंजाब 100 साल तक गुलाम रहा, वो भी महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद। वो बात अलग रही लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर उन्होंने 200 साल हमारे पे राज किया है तो अब हमारा टाइम आ गया है हम जाएं और उनके कंट्री में जाके राज करें। लेकिन मैम ये आप कह रहे हैं कि यूके जो कि इंग्लिश की मदर कंट्री है, लैंड है जहाँ से इंग्लिश ओरिजिनेट हुआ, तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जाने के लिए आईएलटीएस ही नहीं चाहिए? नहीं, अगर आपने बीएससी नर्सिंग इंग्लिश में की है ओके तो आपको आईएलटीएस में बैंस नहीं चाहिए। ओके ओके, तो थोड़ी थोड़ी सी बात मैम छुपा रहे हैं लेकिन अगर वो खुल के बता भी रहे हैं तो भी उसमें रियलिटी और सच्चाई क्या है कि बीएससी नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश, लेकिन इफ इट इज इन इंग्लिश मीडियम यू डोंट इवन नीड टू टेक द आईएलटीएस। और मैं यहाँ पर एक चीज आप सबको एजुकेट करना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता है और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स जो आईएलटीएस वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं आई फील बैड कि उनको भी नहीं पता है। अगर आप एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, आप एक इंस्ट्रक्टर हैं और ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको जाना है यूके सिर्फ और सिर्फ यूके तो आपका आईएलटीएस से काम नहीं चलने वाला है। देर आर पीपल जो यूके का प्लान करते हैं, अपना आईएलटीएस का एग्जाम देते हैं, सर्टिफिकेट लेकर आते हैं और कहते हैं कि अब हमारा वीज़ा लगवा के दीजिए, तो सर्विस प्रोवाइडर आपको कहता है कि जाइए आईएलटीएस दोबारा से कीजिए एंड द रीज़न बिहाइंड इज यूके के लिए आपको करना है आईएलटीएस वी यूके वी आई, मतलब ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन है, ये मत सोचिए कि डिफरेंट एग्जाम है। आपको वंस अगेन हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आईएलटीएस के प्रिपरेशन के लिए आप कोई भी हेल्प चाहिए, आप इंडिया में, इंडिया से बाहर हैं, आप कहीं पर भी हैं, किसी भी टाइम जोन में हैं, वी आर देयर टू असिस्ट यू इन अचीविंग योर आईएलटीएस स्कोर। और जब आपने कह दिया कि 4.5 से ही काम चल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ मैं 5.5 तो जरूर दिलवा दूंगा। आइए वापस चलते हैं उस चीज पे जो आपने कहा कि 4.5 बैंड या अगर इंग्लिश में डिग्री है तो बिल्कुल भी आपको आईएलटीएस का जरूरत नहीं है। तो आप एक नर्सिंग या इस प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड उसे
यू के भेजने में हेल्प करते हैं. डेफिनेटली डेफिनेटली वेरी नाइस. बट कोई क्यों जाएगा यहाँ पर उसे अगर मिल जाती है जॉब वगैरह नर्सिंग के बाद, तो वहाँ पे जाने का उसको क्या फायदा? इसको मैं पंजाबी में आंसर करना चाहूंगी. जरूर करो जी. बहुत ही वधिया क्वेश्चन पूछा है तुसा ने. इफ आई एम साउंडिंग इट राइट. ओके सो आई विल टेल यू. आप यहाँ पे अगर आप यूके जाते हैं तो आप 60 आवर्स वर्क करते हैं पर वीक. आप खुद लगाएंगे हिसाब. ओके 12 पाउंड आपको मिलता है एक घंटे का. मैम ने मेरे साहब नानू कह दिया मेरा इन्हें तो पंजाबी जा तंग है ते मेरा मैथ्स बड़ा हाथ तंग है. वीक दे तुसी क्या 60 आवर्स. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग फुल टाइम वर्किंग आवर्स 40 होंदे ने. हुण जदों यूपी तो बिहार तो पंजाब दे विच कोई आउंदा ते कोई 40 आवर्स वर्क नहीं करना चाहुंदा. उहनूं इह है कि एक वारी कम मिले ते दिहाड़ी 12 घंटे 18 घंटे दी लगे ताकि पैसे मोटे बणे. सो यू मीन टू से कि 60 आवर्स अगर जो उनकी वर्क एवरेज रहती है 12 दैट इज द यूरो राइट पाउंड्स आई एम सॉरी बट यूरोपियन यूनियन में होने के बावजूद भी वो अपनी करेंसी चलाता है यूके. राइट एट एन एवरेज 100 के पास तो रहती है 90-88 कुछ ना कुछ एवरेज भी अगर निकाल के चलें तो वो आपके बन गए 72 100 राइट. सो 12 into 60 और इसके साथ 0 लगा लो. और वैसे मैं अगर बात करूँ ये आप सिर्फ एक 1 week की कमाई कर रहे हो जी. और अगर आप इसको मंथ में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्स 3,000 pounds. और 3,000 को 100 से भी मल्टीप्लाई करना है. यस तो ये तो बन गया 3,00,000. यस और अगर साल से मल्टीप्लाई कर लो कीजिए तो 36 lakhs in a year. अभी तो एक year और अभी आप टाइम का वीजा बता 3 साल करिए इसको कैलकुलेट. 3 साल तो 1 year प्लस हो गया. यस इट्स 1 crore. यू आर साउंडिंग इट राइट. 1 crore इन 3 years ये नर्सेस कमाएंगी. यस आप ये कह रहे हो. यस प्लीज वीडियो पूरा देखो. वो जैसे कहते हैं ना पीके मूवी में आपके पास अगर कोई भारी चीज है तो उसे थाम लीजिए. ये ना हो गया बेहोश हो गए अभी गिर जाए क्योंकि अभी पूरी बात सुननी हमारी बाकी है. सो यू मीन टू से कि नर्सेस 1 crore कमा सकती हैं? जी बिल्कुल. ये उन्हीं नर्सेस की बात हो रही है जो इंडिया में एक जनरल जो पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो 4,000-5,000 और अगर हम बहुत नेम्ड इंस्टीट्यूट्स की भी अगर बात करें तो उसमें भी 15-20,000 तो मैंने सुना नहीं है पर मंथ. और अगर आपको लगता है कि आप एक महीने में 25,000 से ज्यादा यहाँ पे कमा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा ताकि हमें भी समझ आए कि कितना मैक्सिमम अर्निंग ये जो नर्सिंग सेक्टर में इंडिया में अभी तक है. सो अर्निंग आपने बता दी मतलब यूके अपने कंट्री बता दिया. और भी कुछ एडवांटेजेस है वहाँ जाने के? बहुत. सो बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है ये यूके में. आपको बताना चाहूँगी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देते, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं नर्सेस की और बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को वहाँ पे स्ट्रेस करने की या स्ट्रेच आवर्स करने की ज़रूरत नहीं है. और जितने आवर्स आप काम करेंगे अकॉर्डिंगली यू आर पेड. ऐसा नहीं है कि आप 12-13-15 घंटे या 24 घंटे काम करें फिर भी आपकी सैलरी कितनी है 25,000-30,000. ऐसा नहीं है. जितने घंटे लगाएंगे उस हिसाब से कमाएंगे. और इमेजिन आप 1 crore कितने सालों में कमाएंगे और यहाँ पे आप सिर्फ 3 साल में कभी भी कमा पाएंगे. सो ट्रू भी कमा पाएंगे. सो ट्रू. और चाहे कितने भी आपके खर्चे हो जाएं चाहे जो भी है इसीलिए अब्रॉड जाना हमारे कल्चर का एक आज पार्ट क्यों बन गया है कि हमारे पहले यहाँ पर हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स नहीं है. अगर अर्निंग्स हैं तो उसमें सेविंग तो आप भूल ही जाइए बिकॉज देर आर सो मेनी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व. लेकिन आउट देयर वो जो बेसिक आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग या जो रहते हैं बेसिक खर्चे वो बहुत मिनिमल रहते हैं जिसकी वजह से देर इज़ अ हैंडसम शेयर ऑफ योर इनकम दैट यू कैन सेव. तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी किस्मत ही खुल जाएगी और जो इतने पैसे बना ले तो उसकी फैमिली और उसके बच्चे तो मतलब आई रियली डोंट हैव टू मच टू से क्योंकि प्रैक्टिकली अगर ये पॉसिबल है तो इसमें सक्सेस रेट क्या मान के चले? 98% सक्सेस रेट है. really? आप पूछिए क्यों? ये मैं पूछने वाला था 2% क्यों नहीं नहीं आप ये पूछिए 98% कैसे है. 98% कैसे है जी. सो 98% ऐसे है बिकॉज हमारे बहुत सारे इमिग्रेशन लॉयर्स वेरीफाइड इमिग्रेशन लॉयर्स
फाइल्स लॉन्च करते हैं. एवरीथिंग इज ऑथेंटिक वेरीफाइड. सो दैट्स व्हाई वी क्लेम फॉर 98%. दैट्स इंटरेस्टिंग. और ये एक्चुअल प्रोसेस रहता क्या है एग्जैक्टली? मतलब ये आप कहते हैं कि फाइलिंग उधर से, सोलिसिटर्स उधर से फाइलिंग करेंगे. ओके, थोड़ा सा मतलब एजुकेट कीजिए कि अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आता है इस वीडियो को देखकर, अगर आप आते हैं तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा धमाका ऑफर है. आपको एक कूपन कोड मैं अभी शेयर करूंगा, बहुत जल्दी वीडियो पे फ्लैश होने वाला है. उस कोड से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी आप सुन लीजिए कि छोटा सा प्रोसेस है और प्रोसेस है क्या है और इसमें कितना टाइम आता है. मतलब ये तो नहीं है कि 3 साल का आपने 1 करोड़ का ड्रीम तो दिखा दिया, अब वीज़ा लगने में भी 3 साल लगेंगे. नहीं, तो इसमें टोटल टाइम आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लगेगा वो है 3 मंथ्स. जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 3 मंथ्स. सो बेसिकली आप जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट्स को हमारे इमिग्रेशन लॉयर्स जो UK में हैं उनसे वेरीफाई करवाएंगे. आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते ही आपकी इंटरव्यू की डेट्स आएंगी. और जी हाँ, ये आप कह रही है इंटरव्यू देखते हैं, इंटरव्यू का नाम सुनते ही आधे पंजाबी भागने लगते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरव्यू किसी को भी देना पसंद नहीं है. तो यहाँ पे क्या कोई गोरा इंटरव्यू करने वाला है इनका? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसीलिए मैंने पॉज लिया, क्योंकि मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ. लेकिन आपने तो ले लिया, हम पंजाबी पॉज ले ही नहीं पाते इंटरव्यू का नाम सुनते, इसीलिए मैंने भड़म से पूछ लिया ये इंटरव्यू कहाँ से आ गया. सो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो हम खुद करवाएंगे आपको. ओके, 15 दिन का प्रोसेस है, दैट्स इट. हम आपको खुद पर्सनली प्रिपेयर करवाएंगे इंटरव्यू के लिए. सो वर इट मे बी आप इंटरव्यू फ्लंक, मिस, फॉल बैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद करवाएंगे आपकी प्रिपरेशन. सो उस इंटरव्यू के बाद जब आप वो क्लियर कर लेते हैं, देन कम्स लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और इस पूरे केस पे मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि जब आपको लेटर ऑफ इंटेंट आएगा तो वो आपके मेल आईडी पे आएगा. तो हर चीज आपको बहुत क्लियरली इन्फॉर्म्ड होगी. दैट मींस के आपका पूरा प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रहता है. एंड यही चीज सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है. जो भी ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें बहुत ही जेन्युइन सर्विसेज ऑफर करनी पड़ती है. पहले क्या होता था कि कहते थे हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, 1,00,000 ले आओ, फिर कह देते थे आपका वीज़ा लग गया, चलो अब जाओ. तो एयरपोर्ट पर पहुँच के पता लग रहा था कि उनको दिल्ली से अमृतसर का टिकट दे दिया है, बस यही वीज़ा मिला है. तो एनीवे, यू मीन टू से कि जो भी प्रोसेस रहेगा स्टूडेंट के बिल्कुल सामने रहेगा. yes. उसे एक एक चीज़ का पता होगा. Good. और उसे जो करना है बस एक इंटरव्यू क्लियर करना है. yes. बाकी काम सब आप करेंगे. सब हमारा, क्योंकि okay. आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वेरीफाई हो चुके हैं, आपका इंटरव्यू आपने खुद क्लियर किया होगा, तो कहीं पर किसी को कोई चैलेंज ही नहीं आएगा कि वीज़ा नहीं आए. राइट, अगेन जब आपका डॉक्यूमेंट हमारे लॉयर्स के पास जाता है तो उसमें अगर कोई भी चैलेंज है तो हम उसी टाइम आपको बता देते हैं, ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़ने से पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो कि आपका प्रोसेस थ्रू होगा कि नहीं. दैट इज़ हाउ वी वर्क. वी नेवर टेल यू कि आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिया आपका वीज़ा आ जाएगा. हम इस तरीके से काम नहीं करते. तभी इनका सक्सेस रेट भी हाई है, बिकॉज़ दे आर सिलेक्टिव एंड इफ दे आर चूजिंग द राइट कैंडिडेट. तो इससे कैंडिडेट जो होता है उसे भी एक पॉजिटिविटी आती है कि यार अगर इन्होंने मेरी फाइल एक्सेप्ट कर ली है देन देर आर चांसेस कि अगले 2-3 महीने में मैं फ्लाई करने वाला हूँ. अब इंटरव्यू के बारे में आपने कुछ बताया कि इंटरव्यू होती है, लेकिन उसके तो काफ़ी चार्जेस वगैरह रहते होंगे प्रोसेस में. सो आपके लिए इसमें भी बहुत वधिया गल दसना चाहनी है कि इसमें हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करते. दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इंटरव्यू जो पंजाबियों के लिए तो खास तौर पर मैं कहूँगा, बाकी कौन सब 30 मार खान बैठे हुए हैं, बाकियों के लिए भी इंटरव्यू बहुत मुश्किल है, लेकिन यू मीन टू से प्रिपरेशन भी आप करवाएंगे, क्लियर करने में भी आप हेल्प करेंगे जी. और उसके लिए आप कोई चार्ज नहीं करेंगे. बिल्कुल नहीं. राइट, क्या बात है. और मैं जब बाहर से आ रहा था आंसर प्लाजा, ये फेमस मॉल, दूर से पता चलता है, बाहर KFC भी है, तो इतना कुछ आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप KFC भी खिलाते हैं बच्चों को? आपका वीजा आते ही हम आपको वो भी खिला देंगे. okay, okay, okay.
आप मेरी ये वीडियो देख के आइए, मेरा कोड लेके आइए, अगर आप एनरोल करेंगे तो भी ये खिलवा देंगे KFC। डन। आप मेन्यू चूज करो KFC को, देखो आपको क्या खाना। अच्छा, उस चीज पे बाद में आएंगे, लेकिन एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब फ्लाई करते हैं तो मतलब उनको वीजा यहाँ से मिलता है या वहाँ जाके मिलता है या ऐसा कुछ? वीज़ा कुछ कंट्रीज में ऐसे लॉस भी होते हैं? नहीं, वीज़ा आपको यही मिलेगा हमारे ऑफिस में मिलेगा, उसके बाद ही आप फ्लाई करेंगे जब आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। हम खुद हैंड ओवर करेंगे आपको आपका वीज़ा। सो इसमें एडवांटेज सबसे बड़ा आपको यही मिलने वाला है कि 3 years का तो वीज़ा मिलेगा, प्लस यू विल गेट 2 years एक्सटेंडेड वीज़ा। ओके, ब्यूटीफुल। तो ये 3 years नहीं रहा, 5 years हो गया, तो 1 crore में आप 70-75 lakh और भी ऐड कर सकते हो। please। फिर तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर चले गए वहीं के होके रह गए। जिस बंदे ने 1.5-2 crore कमा लिया 4-5 साल में, तो उसे तो वैसे भी अपने कंट्री में वापस आ जाना चाहिए यार। अपनी फैमिली के साथ रहो, अपने बच्चों को यहीं अपने कल्चर में पढ़ा करो, और राइट अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना चाहिए। रेस्ट अप टू यू यार, आप कहाँ भी जाएं, किस कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। कि आई सर्टेनली बिलीव कि इसके बाद आपके पास बहुत सारे PR वगैरह के ऑप्शंस भी रहते होंगे यहाँ पे। यस, आप PR भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद वापस आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से। मैम कनाडा से वापस आए हैं। यस, आई वुड से कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल्स हैं, आपने एक लाइफ का अच्छा टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करके कुछ ऐसा गेन किया है जिससे आप अपने कंट्री को कुछ दे सकते हैं, देन व्हाई नॉट वी डू दैट। ओके, तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ वो है एक कूपन कोड। आप अपने पास उस कोड को लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन रहती है, और मुझे ये सेलिब्रेशन सबसे अच्छी लगती है। एक दिवाली आती है तो कोई धर्म कहता है मैं मनाता हूँ, मैं नहीं मनाता हूँ। होली आती है तभी यीशु, वैसाखी आती है तो कोई भंगड़े डाल रहा है, तो कोई चुप करके बैठा है। लेकिन 15th of August जब इंडिया को आज़ादी मिली, चाहे पंजाब के लिए उतना खुशी के साथ साथ उतना ही गम का टाइम भी था बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, बट स्टिल 15th of August इज अ वेरी स्पेशल डे, और उसको और भी स्पेशल बनाया जा रहा है आप सभी नर्सेज या इस प्रोफेशन के साथ जुड़े लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप कनेक्ट करते हैं हनी ग्लोबल सर्विसेज को प्रायर टू 15th of August, ये डेडलाइन है, 15 के बाद आपको इस ऑफर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप 15 से पहले कनेक्ट करेंगे तो आप इन्हें देने जा रहे हैं एक लैपटॉप फ्री। राइट, तो ये बिल्कुल सही है, ये लैपटॉप फ्री देने जा रहे हैं। ये इन्होंने अपने पास तो रखा हुआ है ये, अच्छा ये लैपटॉप नहीं है, बट इससे भी बहुत ब्यूटीफुल होगा, डोंट वरी। उस लैपटॉप का आपको वहां पर प्रैक्टिकली बहुत बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि आपको लैपटॉप दिया जाएगा। अदरवाइज देने को तो गुची का जैकेट भी दिया जा सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अगर आप कनेक्ट करते हैं 10th of August से पहले, जी हाँ 10th of August, that is in next 72 hours or something, 3-4 days में अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको मिलने जा रही है फ्री एयर। Am I right, ma'am? आप एयर ट्रेवल भी इनका फ्री करने जा रहे हैं। सो आपके ऊपर है, आप कौन से ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो अगर तो अगले 3 दिन में 10th of August से पहले कनेक्ट कर लेते हैं तो आपकी हवाई यात्रा फ्री, और अगर आप 15 से पहले पहले कनेक्ट कर लेंगे तो आपको मिलेगा लैपटॉप। लेकिन ये तब मिलेगा अगर आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे, रीच करेंगे और एक कूपन कोड यूज़ करेंगे, और वो आपके लिए रहेगा Raman555। जी हाँ, Raman555, आप इनको कॉल कीजिए और कहिए हेलो की बजाय Raman555। दिस इज Raman555। तो यहाँ पर जब आप आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आइए, अपने गार्जियंस के साथ आइए, यहाँ पर आके बताइए कि आपने मेरा वीडियो देखा, वहाँ से आपको रेफरेंस मिला, और यहाँ पर अगर आप आकर कोड शेयर करते हैं तो आपके लिए ये ऑफर रहेंगे एक्सक्लूसिवली टू माय सब्सक्राइबर्स हियर। सो अगर आप इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते हैं जो अभी अवेलेबल है, और ये अपॉर्चुनिटी कब तक अवेलेबल रहे स्टूडेंट्स के लिए? 15th August I mean to say the visa itself, visa, yeah.
ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, ये अपॉर्चुनिटी आप जितनी जल्दी अवेल कर सकते हो. ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब एक बार पंजाबी शुरू करते हैं तो भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो उस कंट्री जो प्रोवाइड कर रहा होता है वीजा या ऑप्शन लेके आता है उसको बंद करना पड़ जाता है. जैसे फॉर द टाइम बीइंग कनाडा ने काफी मुश्किल कर दिया है. सो इट्स देयर डिमांड एट प्रेजेंट, उनको नर्सेस चाहिए, राइट? और जैसे ही उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी asking for more queries, and that's the reason why agar aap is cheez ka abhi advantage lenge, apna filing start karenge, then you can definitely take the advantage or avail the opportunity and be the one. Abhi is video ko abhi hum yahan pe wrap up karte hain. To sashikal my dear friends and subscribers, hope to see you soon. Bye.